Hey guys, good afternoon. ये वाले वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट सम फाइनेंशियल्स जिनका नंबर्स अच्छा आया है. ठीक है, अब अभी का माहौल जो जैसा है कि लाइक सारे फाइनेंशियल्स का नंबर्स ही इतने बुरे आ रहे हैं, राइट. वैसे वो आप देखोगे बड़े बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नहीं हो रहा है, मार्जिन्स घट रहे हैं. फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये सब NBFCs स्पेशली जिनका भी माइक्रो फाइनेंस पे एक्सपोजर है उनका तो मतलब एकदम क्या ही बोले, मतलब उनका तो एकदम पूरा मर्डर हो रहा है. ठीक है, लेकिन फिर भी देर आर सर्टन फाइनेंशियल्स जो अच्छा नंबर्स ला रहे हैं, राइट. तो और ये चीज मैं बार बार बोलता रहता हूं कि लाइक अगर कोई पर्टिकुलर स्पेस में प्रॉब्लम है तो कुछ भी चीज को लेके जनरलाइज मत करना. सारे कंपनी को आप इंडिविजुअली ट्रैक करो. ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे यू कैन गेट सम वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, राइट. तो इस वीडियो में मैं कुछ चार मौके का बात करने वाला हूं जिन कंपनीज का ये जो Q2 का जो नंबर्स आया, राइट. मतलब हिस्टोरिकली ये लोग अच्छे ही कर रहे थे, Q2 में भी इनका परफॉर्मेंस पे कोई मतलब दाग नहीं है. ठीक है, तो ऐसे सोचो कि लाइक यहां पे चार ऐसे फाइनेंशियल्स का हम बात करेंगे जिनका रिजल्ट्स अच्छा आया है इन एन अदरवाइज लाइक यू नो अ टेरेबल सेक्टर जो सब इनको अभी बताते मतलब जा ही रहे, राइट. इन टर्म्स ऑफ से लुकिंग एट द स्टॉक प्राइस एंड एवरीथिंग, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे. मतलब जो बुरे कंपनीज है, राइट, बुरे मतलब जिनका बुरे रिजल्ट्स आए हुए हैं, लेकिन ये वीडियो में आई जस्ट फोकस ऑन दिस फोर कंपनीज. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कंपनी का नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस करके. वो क्या करता है, वो टायर 2, 3, 4 सिटीज में वो अफोर्डेबल होम लोन्स देते हैं. ठीक है, तो यही है उनका बिजनेस मॉडल. अब ये जो होम लोन्स बोला मैंने, तो वो लोग क्या करते हैं, होम लोन्स है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है. आई थिंक उनका होम लोन का बुक इज अराउंड 60% ऑफ देयर टोटल बुक, और बाकी का जो 40% है वो है आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. कुछ बिजनेस लोन्स वगैरह भी देते हैं. ठीक है, तो ये जो कंपनी है इंडिया शेल्टर फाइनेंस, ये एक्चुअली इफ यू लुक एट द अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन द स्पेस. और इन्होंने अपना ग्रोथ रेट को नहीं घटाया, मतलब इन टर्म्स ऑफ लोन बुक का ग्रोथ या से फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे लोन बुक का ग्रोथ उनका कितना है, 36% से लोन बुक ग्रू ऑन अ YOY बेसिस. और अभी इनका AUM 7,000 करोड़ के आसपास हो गया. आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो इनका AUM ग्रू 7-8%. इनका जो अच्छी बात है कि लेकिन इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है. ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब वेन से योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन लोन बुक का ग्रोथ, है ना. तो यहाँ पे इनका इस बार भी पैट आई थिंक ग्रू 50% ऑन अ YOY बेसिस. तो मतलब सोचिए ना, जहां पे आप देख रहे हो कि कितने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इन द फाइनेंशियल स्पेस, यहां पे एक छोटा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो 36% से लोन बुक को ग्रो कर रहे हैं और उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है. इनका ROE का नंबर भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब इनका ROE अगर मैं अभी बोलूं सो दैट्स टचिंग 15%, जबकि लास्ट ईयर तक का, क्योंकि इनका तो आई गेस लास्ट ईयर, हाँ, अगर मैं लास्ट ईयर का ही बात करूं तो इनका ROE कुछ अराउंड 12.5-13% के आसपास था. तो बेसिकली क्या है, इफ यू आर ग्रोइंग एट 36-40% और आपका ROE का नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब अच्छा ही है. ठीक है, इनका एसेट क्वालिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एसेट क्वालिटी मतलब वही GNPA नंबर एंड ऑल. थोड़ा सा मैं अगर बोलूं कि लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डिटेरियोरेट किया, एंड YOY मतलब आई थिंक इनका अभी GNPA नंबर इज 1.2%, जबकि लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में इट वॉज अराउंड 1%. सो इसका क्या मतलब, आप देखोगे 20 बेसिस पॉइंट का थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन हैविंग सेड दैट अगर आपका ROE का नंबर ऊपर गया है अलोंग साइड थोड़ा सा इंक्रीज इन GNPA, दैट मींस यू मेड मोर मनी देन यू लॉस्ट मनी. ठीक है, मतलब एकदम सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन 1-1.2% का GNPA इज नॉट अ प्रॉब्लम. क्योंकि देखिए कोई भी फाइनेंशियल का अगर आप देखोगे, आज कोई भी माइक्रो फाइनेंस NBFC या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का जो प्रॉब्लम्स दिख रहा है, राइट, तो वहां पे आप देखोगे सबसे पहले है कि लाइक जिनका प्रॉब्लम्स है उनका ROE क्रैश्ड. मतलब से फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे दू, अगर आप क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का ले लो जो एक माइक्रो फाइनेंस बेस्ड NBFC है, उनका ROE 25% से 10% हो गया. अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक का देखोगे, उनका ROE क्रैश हो गया. और कितने सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूनावाला का तो ROE गायब हो गया बिकॉज वो लॉस में चला गया. सो द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से, इसके लिए कोई भी कंपनी हो आपको देखना है कि ROE किस दिशा में जा रहा है. नॉट लुक एट द ROE इन एब्सोल्यूट टर्म्स, यू हैव टू लुक एट ROE फ्रॉम द इन अ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शनली कहां पे जा रहे. सो इंडिया शेल्टर फाइनेंस का ROE is moving in the right direction. ठीक है, ये हो गया इनका अच्छी वाला बात. इनका EPS भी 34-35% से ग्रो किया, PAT 50% से ग्रो किया. और जैसे मैंने बताया अफोर्डेबल होम लोन का कंपनी है, और आप देख सकते हो, राइट, अगर मैं दूसरे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का बताऊं तो मुझे होम फर्स्ट का भी नंबर अच्छा लगा. उनका भी 34% का लोन बुक का ग्रोथ था और उनका भी ROE का नंबर बढ़ते जा रहा है, राइट. तो इफ यू लुक एट दीज टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, दे डिड वेरी वेल. इवन बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी अच्छा ही किया. बजाज हाउसिंग फाइनेंस का प्रॉब्लम ये है दैट उसका प्राइस टू बुक ज्यादा है, लाइक इट्स मच हायर देन द लाइक्स ऑफ इंडिया शेल्टर एंड होम फर्स्ट फाइनेंस. लेकिन हायर प्राइस टू बुक में, लेकिन उनका ग्रोथ रेट तो कम है. बजाज फाइनेंस का लोन बुक का
बजाज सॉरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, उनका लोन बुक का ग्रोथ है 26% का, गॉट इट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि होम फर्स्ट फाइनेंस और यहाँ पे इंडिया शेल्टर, दे आर ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 30% 35%, ठीक है, और वहां पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस 26% से ग्रो कर रहा है, लेकिन जब उनका आईपीओ आया लोग तो बजाज के नाम पे खरीद लिया, है ना। तो बेसिकली क्या है कि लाइक यू हैव बेटर प्लेयर्स इन द सेम इंडस्ट्री एट अ लोअर वैल्यूएशन, बिकॉज सबका ही एसेट क्वालिटी अच्छा ही है। होम फर्स्ट फाइनेंस का भी आई थिंक जीएनपीए नंबर वाईओवाई लेवल पे 1.7% एंड इट्स प्रीटी स्टेबल, और अगर आप इंडिया शेल्टर का देखोगे तो 1.2% है। हाँ, आप इंडिया शेल्टर का बोल सकते हो कि लाइक 1 से 1.2 क्यों हुआ एंड ऑल दैट, लेकिन ठीक है, ये तो बिजनेस का पार्ट एंड पार्ट से लेना। इफ योर ग्रॉस एनपीए इज 1.2%, इट्स नॉट अ बिग डील इन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम थोड़ा दूसरा कंपनी का बात करते हैं, यहाँ पे SBFC फाइनेंस करके, जो एक सिक्योर्ड MSME लेंडर है। SBFC फाइनेंस किनको लेंड करते हैं, वही सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में, ये उनको लेंड करते हैं जिनका लेट से फॉर एग्जांपल आज लेट से वो जिनका कोई धंधा हो, ठीक है, क्योंकि MSME और SME लेंडिंग मतलब है कि लाइक सेमी अर्बन रूरल एरियाज में यू आर गोइंग आउट टू पीपल जिनका बिजनेस है, लेकिन सिक्योर्ड लेंडिंग करता है, मतलब वो जो बंदा जिस घर में रहता है, सोचो उसका कोई अगर धंधा है, उस धंधे पे ये लोग SBFC लेट से धंधे को ग्रो करने के लिए, धंधे का वर्किंग कैपिटल के लिए ये लोग MSME लेंड करते हैं, लेकिन उस बंदे का जो घर होता है जहां पे वो अपने फैमिली के साथ रहते हैं, उस घर को SBFC के पास मॉर्गेज रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, SBFC का 99% ऑफ SBFC का बुक इज मॉर्गेज, ठीक है। तो ये अच्छा बात है, राइट, मतलब अच्छा इन द सेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक मतलब जिनका कोलेटरल है तो उसका एसेट क्वालिटी उनको खाता नहीं है, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दैट, लेकिन ऑफकोर्स ऐसे सिचुएशन में आप देख रहे हो, राइट, कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, स्पेशली जिनके बुक्स में पर्सनल लोन और माइक्रो फाइनेंस बुक है, दे आर रियली स्ट्रगलिंग, लेकिन SBFC में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं SBFC का नंबर भी बताऊं तो इनका लोन बुक कुछ 33-34% से बड़ा है, और मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था अभी से नहीं, मतलब कुछ 3-4-5 क्वार्टर पहले से, जब से मैं SBFC को ट्रैक कर रहा हूं, तो उनका गाइडेंस यही था कि लाइक वी विल कंटिन्यू टू ग्रो द लोन बुक एट 5-7% एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है, मतलब एक क्वार्टर से अगले क्वार्टर में द लोन बुक विल ग्रो बिटवीन 5-7%, ठीक है। मतलब क्या, अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर 7% भी पकड़ते हो तो एनुअलाइज करोगे तो अराउंड 30% होगा। आई कैन टेल यू, उसके बाद से हर क्वार्टर में जब से SBFC का नंबर आया, उन्होंने मैनेजमेंट ने वो एग्जीक्यूट करके दिखा रहे, इवन Q2 में भी आई थिंक Q1 के ऊपर उनका लोन बुक का ग्रोथ इज 8%, ठीक है, तो 5-7% से ऊपर ही हुआ, और एनुअलाइज रेट में इट्स अराउंड 33%, ठीक है। अब देखो यहां पे भी थोड़ा सा इनका एसेट क्वालिटी ये हुआ, मतलब खराब हुआ, इन द सेंस के लाइक उनका क्रेडिट कॉस्ट वाज अराउंड 80 basis points, 0.8% इन Q2 FY24, राइट, लेकिन अभी आप देखोगे इट्स 0.95%, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या है कि लाइक उनका GNPA नंबर थोड़ा सा बढ़ गया। ये एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया शेल्टर और SBFC फाइनेंस, इन दोनों का एसेट क्वालिटी खराब हुआ, लेकिन माइन्यूट लेवल पे खराब हुआ, नॉट लाइक द लाइक्स ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक एंड यू नो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, या फिर आपका उज्जीवन, या फिर से आपका क्या बोलते हैं उसका पूनावाला, या फिर और भी है आपका फिर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बिजनेसेस लाइक SBFC और इंडिया शेल्टर, इनका एसेट क्वालिटी अभी भी बहुत ही कंट्रोल्ड है। तो इनका जैसे GNPA नंबर SBFC फाइनेंस का 2.6% है, जबकि इन द सेम क्वार्टर लास्ट फिस्कल इट वॉज 2.3%, ठीक है। तो ये हो गया बात, और दूसरे साइड से देखिए SBFC का भी इंडिया शेल्टर के तरह द ROE नंबर कीप्स इंचिंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा एसेट क्वालिटी खराब हुआ, बट देन ऑन द अदर हैंड इफ आई सी दैट द ROE नंबर इज इंचिंग अपवर्ड्स, दैट मींस फ्रॉम अ बिग पिक्चर लेवल थिंग्स आर ओके, राइट, क्योंकि कोई भी जगह में जब आपका बिग पिक्चर लेवल पे थिंग्स आर नॉट ओके, एज आई टोल्ड यू, राइट, उनका ROE का नंबर का ट्रैजेक्टरी देखो कि किस दिशा में जा रहा है, गॉट इट। जैसे ये बाकी जो 4-5-6 नाम बोला, सबका ROE का नंबर पूरा क्रैश हो गया। सो इनका भी SBFC का भी ROE का नंबर इज नाउ 12.67%, आई थिंक द लास्ट ईयर इट वॉज अराउंड 10-10.5% के आसपास, ठीक है। तो ये अच्छी रिजल्ट ही है। अब एक बैंक के बारे में बात करते हैं जिनका नंबर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, वो है IDBI बैंक, ठीक है। IDBI बैंक एक ऐसा बैंक है जो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि लाइक सारे बैंक्स के कंपैरिजन में एक आउट परफॉर्मर है, एब्सोल्यूट आउट परफॉर्मर, क्योंकि बाकी सारे बैंक्स में आप क्या देख रहे हो, जिनके एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स से HDFC बैंक जैसे कि या फिर आप देखोगे आपका ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक की, उनका एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन पे ग्रोथ
का इशू है, प्रॉफिटेबिलिटी का इशू है, आरओई का नंबर सबका नीचे जा रहा है, मार्जिन आर नॉट गोइंग अप, ठीक है। या फिर से फॉर एग्जांपल आप अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक देखोगे या फिर अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखोगे तो यू विल सी के लाइक यू नो कितना एसेट क्वालिटी खराब हो गया, प्रोविजन तीन चार गुण हो गया और फिर उसके बाद आपका पैट 70-80% घट गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, सारे बैंक में यही चल रहा है, ठीक है। लेकिन आईडीबीआई बैंक बहुत अच्छा रिजल्ट किया और पिछले क्वार्टर में भी उनका अच्छा था, इस क्वार्टर में भी बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि देखिए हमें फाइनेंशियल्स में देखना है वही चीज ना, हमें देखना है एसेट क्वालिटी और ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का अच्छा मिक्स, ठीक है। जहां पे लेट से फॉर एग्जांपल एसेट क्वालिटी खराब तो पूरा खेल खत्म, फिर तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी नहीं रहेगा ना एट द एंड ऑफ द डे। और ऑन द अदर हैंड एक चीज देखते हो आपके लेट से एचडीएफसी बैंक टाइप का बैंक्स का या फिर एसबीआई का, उनका एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इतना बड़ा बेस हो गया और मर्जर के बाद तो एचडीएफसी बैंक को अभी तो डबल डिजिट से ग्रो करने का भी डिफिकल्टी हो रहा है। तो उनका जैसे 7% से लोन बुक को ग्रो किया एचडीएफसी बैंक। मैं कल एक बंदे से मिला था, मतलब कॉफी एक शॉप में गया था, एक स्टारबक्स में गया था, तो वहां पे एक मेरा यूट्यूब का सब्सक्राइबर मुझसे मिल गया था, तो मैंने उनसे वही चीज समझा जब हम लोग एचडीएफसी के बारे में बोला। मैंने बोला 7% के लिए मैं मार्केट में क्यों हूं, है ना, फॉर 7% राइट, मतलब अगर मैं इतना वॉलेटिलिटी ले रहा हूं, इतना लड़ाई कर रहा हूं राइट, इतना कुछ सीख रहा हूं पढ़ रहा हूं, व्हाई वुड आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ 7% इंजन। बट देन अगेन वो मेरा ओपिनियन है राइट, मैं मेरा ओपिनियन आप पे डाल नहीं रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट्स इन माय हार्ट, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, आईडीबीआई बैंक पे अभी बात करते हैं। तो आईडीबीआई बैंक का तो ऑफकोर्स सारी चीजें अच्छा है, इनका लोन बुक 20% से ग्रो किया, जो आप देख सकते हो कि पूरे सेक्टर में बहुत कम फाइनेंशियल्स है जो इस रेट से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट का भी 21% का ग्रोथ है लेकिन उनका तो एसेट क्वालिटी खराब हो गया, चलो उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे एक और वीडियो में। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे 20% का लोन बुक हुआ, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, मतलब इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ अप्रॉक्सिमेटली 40% के आसपास ग्रो किया, फिर इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है। इफ यू लुक एट लास्ट ईयर का जीएनपीए नंबर इन Q2, आई थिंक इट वॉज अराउंड 5.5% जीएनपीए, अभी का जीएनपीए कितना है 3.9%। सो इनका एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव होते जा रहे, द नंबर लोअर द बेटर, है ना। तो बेसिकली क्या है, सब कुछ ठीक है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 45% से ग्रो किया। द ओनली थिंग दैट आई वुड से लाइक अ लिटिल ब्लेमिश इन दिस अमेजिंग सेट ऑफ नंबर्स इसके लाइक इनका जो डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट्स ग्रो आई थिंक 11-12% से। सो बेसिकली क्या है, अगर आपका अभी लोन बुक 20% से ग्रो कर रहे हैं, योर डिपॉजिट्स आर ग्रोइंग एट से 10-12%, तो आगे जाके यू माइट नॉट बी एबल टू ग्रो द बुक एट अ फास्टर पेस, बिकॉज डिपॉजिटर का पैसा तो आप लोन मतलब देते हो ना राइट, मतलब खुद का कैपिटल बैंक्स और कितना ही ला सकता है। सो एनी विच वे, तो ये हो गया। ईपीएस भी इसका 40% से ग्रो किया और दिस बैंक इज फ्लश विद कैपिटल एज वेल, क्योंकि इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी देखोगे तो अराउंड 22% के आसपास है। टायर वन कैपिटल इफ आई रिमेंबर करेक्टली वो भी 20% के आसपास है। सो दैट मींस व्हाट, दैट मींस इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सब कुछ ठीक ही है। तो ये हो गया आपका आईडीबीआई बैंक, ये अच्छा ही रिजल्ट किया है। और फोर्थ जो है वो है कि श्रीराम फाइनेंस का नंबर भी मुझे अच्छा ही लगा। तो श्रीराम फाइनेंस एक एनबीएफसी है, ठीक है, मतलब हम लोग बैक टू एनबीएफसी की दुनिया में आ गए। तो श्रीराम फाइनेंस का क्या है, देखो श्रीराम फाइनेंस का बेसिकली उनका जो लोन बुक है, उनका मेजोरिटी लोन बुक कहां जाता है आपका ये ऑटो पोर्टफोलियो में, है ना, ये कमर्शियल व्हीकल्स हो गया, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर श्रीराम का एमएसएमई लेंडिंग भी है, गोल्ड लेंडिंग भी है, पर्सनल लोन्स भी है, ठीक है। तो श्रीराम का क्या है ना, श्रीराम का ग्रोथ भी आया और श्रीराम का एसेट क्वालिटी खराब नहीं हुआ, विच इज अ गुड साइन राइट। इसलिए मैंने क्या बोला, ये वीडियो में आई टॉक अबाउट दोस फाइनेंशियल्स जिनका नंबर्स खराब नहीं है, ठीक है, जिनका एसेट क्वालिटी खराब नहीं हुआ। तो श्रीराम का भी अगर मैं एसेट क्वालिटी का भी बात करूं तो इनका ग्रॉस एनपीए नंबर आई थिंक अभी 5.3% है, लास्ट ईयर में इट इज 5.7%। नाउ यहां पे आपका सवाल आ सकता है कि 5.3% को अच्छा क्यों बोल रहा है। देखो ये जीएनपीए का कोई नंबर, आरओई का कोई नंबर, एट अ स्टैंड अलोन बेसिस मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है, द मार्केट वॉन्ट्स इसके भाई तुम इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं देखो, ठीक है। मतलब क्या मैं बता रहा हूं कि अगर किसी का जीएनपीए लेट से 2% था पहले, अभी लेट से 2.5 हो गया, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेके ही बात करती, फिर यू कैट क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ठीक है, उनका ग्रॉस एनपीए खराब होके अभी 2.4% हुआ, श्रीराम का अच्छा होके 5.3% में आया, अच्छा होके करेक्ट। तो इसलिए आप देखोगे श्रीराम का स्टॉक उतना नहीं गिरेगा जितना लेट से फॉर एग्जांपल सीए ग्रामीण का गिरा है, गॉट इट। तो बेसिकली मार्केट का क्या है, मार्केट देखता है कि इंप्रूवमेंट कहां से हो रहा है, लेकिन ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस, तो इसीलिए तो क्या होता है ना, सब टूल्स देख के, स्क्रीनशॉट देख के समझ में नहीं आता है, इसीलिए आपको कंपनीज को ट्रैक करना पड़ता है। सो टूल्स देखोगे तो स्क्रीनशॉट टाइप का में क्या दिखेगा, यहां पे दिखेगा कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का 2% का जी
बीएनपी है और वहां पे श्रीराम का दिखेगा 5.3%। तो परसेप्शन उस टाइम पे क्या आएगा कि 2% इज बेटर देन 5.3%, क्योंकि आपको तो आता है ये रेशियो कैलकुलेट करना एंड ऑल दैट, तो आपको क्या लगेगा क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इज बेटर देन श्रीराम। बट मार्केट ऐसा नहीं सोचता है, मार्केट देख रहा है कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का जीएनपीए वॉज लेस देन 1%, जो अभी झटक से 2.5% में खराब हो गया और श्रीराम का बेटर हो रहा है। गॉट इट? तो इसीलिए आप देखोगे श्रीराम का स्टॉक उतना नहीं गिरेगा जितना से क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का गिरा है, राइट? अभी पता नहीं आगे भी क्या होगा, बिकॉज अब तो वो सारे कंपनीज तो अपने क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ा रहे हैं, राइट? तो देखो अभी श्रीराम में वापस आते हैं, ठीक है? तो इनका भी लोन बुक 20% के आसपास से ग्रो किया, इनका आरओई का नंबर भी इंचिंग अपवर्ड्स है, राइट? तो जैसे मैंने बताया, राइट, अगर आपके एसेट क्वालिटी अच्छा हो रहा है और आपके बिजनेस पे लोन बुक का ग्रोथ आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपका आरओई का नंबर भी ऊपर की तरफ ही जाएगा, है ना? तो यहाँ पे वही हो रहा है 16% और लास्ट ईयर में इट वॉज अराउंड 15%, तो इंप्रूवमेंट हो रहा है एंड दैट इज वॉट आई एक्चुअली वॉन्ट, राइट? मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट, इस माहौल में कोई ऐसे मिराक्यूलस रिजल्ट तो करेगा नहीं, लेकिन जो भी से अपने आरओई का नंबर ऊपर लेके जा सकता है ये माहौल पे, मतलब वो सही में अच्छा ही काम कर रहा है ना, तो ये अच्छी बात है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू ओनली 18% के आसपास और इनका नेट इंटरेस्ट इनकम कुछ 16% के आसपास। अभी यहां पे क्या हो रहा है ना, कोई भी फाइनेंशियल में मैं देख रहा हूं कि कोई अपने आप को ओवर लेवरेज नहीं करेगा, जैसे एसबीएफसी का भी, क्योंकि देखो आरओई का नंबर बढ़ने के लिए आपको लेवरेज का नंबर बनाना पड़ेगा, है ना? आरओई इज इक्वल टू आरओए इनटू लेवरेज। बाय द वे, अगर आपको ये सब चीजें समझनी है, सीखनी है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फाइनेंशियल सेक्टर का जो वर्कशॉप किया था ना, ये सब कुछ मैंने समझा दिया था। पेन पेपर लेके बैठो और फिर उसको पूरा वर्कशॉप को देखो, आपका पूरा स्किल सेट बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहां पैसा डालना है, निकालनी है, वॉट एवर इट इज, ठीक है? तो मैं डाल दूंगा, वो देख लेना, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, वीडियो में हर वीडियो में आई हैव टू कवर अ लॉट ऑफ कंपनीज, राइट? तो इसमें मैं हर चीज में कॉन्सेप्ट में अगर चला जाऊं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट? और मैं दिन में कितना ही बना लूं वीडियो, है ना? बनाता तो हूं, 3-4-5 करके भी बना रहा हूं अभी, बट एनी विच वे। तो यहां पे देखिए आरओई का नंबर इज गोइंग अप, पैट ग्रू बाई 18%, ठीक है? अभी यहां पे क्या हो रहा है ना, अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, श्रीराम हो या चोला हो, चोला को मैं अगला एक वीडियो में कवर करूंगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, पिछले एक साल में कमर्शियल व्हीकल स्पेस में पूरा डिग्रोथ हो रहा है, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, अगर आप मिड टू हेवी कमर्शियल व्हीकल देखोगे या ये जो छोटा हाथी टाइप का कमर्शियल व्हीकल होता है, उन सब में आपका वॉल्यूम का डिग्रोथ हो रहा है, ठीक है? बिकॉज इतना बड़ा बेस हो गया था पिछले फिस्कल में, इस फिस्कल में डिग्रोथ हो रहा है। तो बेसिकली जो भी आज फाइनेंशियर्स जो आज है, जो लेट से कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग करते हैं, जैसे चोला का भी कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट है वो सिंगल डिजिट से ग्रो किया। चोला का जो ओवरऑल ग्रोथ, मतलब लोन बुक का ग्रोथ जो 30% के आसपास आया, वो आया बिकॉज ऑफ होम लोन, लैप एंड वो सारे सेगमेंट से। लेकिन कमर्शियल व्हीकल या आपका ऑटो फाइनेंसिंग से नहीं है, उस बुक में ग्रोथ नहीं है। तो इनका भी वैसा ही है, इनका भी जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रीराम फाइनेंस का 65% ऑफ द बुक इज कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल, लेकिन पिछले एक साल में यू वुड सी के लाइक कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल दोनों सेक्टर में यहां पे डीग्रोथ हुआ है, दोनों स्पेस में। ग्रोथ सिर्फ आया है टू व्हीलर्स में, जो आई थिंक डबल डिजिट से ग्रो किया, ठीक है? तो इनका टू व्हीलर्स भी है, इनका पर्सनल लोन भी है, लेकिन ओवरऑल श्रीराम का फिर भी लोन बुक 20% से ग्रो किया, विच इज प्रीटी कॉमेंडेबल एक्चुअली, बिकॉज और बाय द वे यहां पे यूज्ड सीवी और यूज्ड कार का जो मार्केट है दैट इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन द न्यू कार मार्केट। So, यही है। तो चार कंपनी का है, बात वही पे आता है कि अभी सिचुएशन थोड़ा गर्म है, राइट? स्पेशली फाइनेंशियल्स के लिए। देखिए फाइनेंशियल्स का प्रॉब्लम आएगा और बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो इकोनॉमी का भी ग्रोथ रेट में इफेक्ट होगा, है ना? बिकॉज फंडिंग चाहिए सबको। अब यहां पे क्या हो रहा है ना, दो चीजें आपने सीखा कि यहाँ पे जो मैंने चार कंपनीज बोला किसी में कोई प्रॉब्लम तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोलोगे एसबीएफसी का थोड़ा वो एसेट क्वालिटी खराब हुआ, थोड़ा सा इसका 20 बेसिस पॉइंट बढ़ गया इंडिया शेल्टर का, बट आप देख रहे हो कि एक चीज, इन चारों का आरओई का नंबर हैज मूव्ड अप, ठीक है? ऑन अ वाईओवाई बेसिस इन Q2 इन चारों में से किसी का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, इन चारों में से किसी ने अपना प्रोविजन का डेटा मतलब नहीं बढ़ाया, ठीक है? इन्होंने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया और इनका लोन बुक भी तो सही है ना, बिकॉज इंडिया शेल्टर 36, एसबीएफसी 33 और आईडीबीआई 20 और श्रीराम है 20%, अगर मैं लोन बुक का ग्रोथ का बात करूं, ठीक है? छोटा मोटा प्रॉब्लम तो हो ही रहा है, एंड ऑफ कोर्स ये लोग हो या कोई भी लोग हो, अब आप देखोगे कोई ऐसे और प्रॉब्लम एक और एनबीएफसी में आ गया ना, एनबीएफसी का मतलब ये जो अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स में एनबीएफसी को जो बैंक पैसे देते हैं, बैंक का रिस्क मतलब यहाँ पे रिस्क वेट बढ़ा दिया। मतलब क्या, बैंक जब एनबीएफसी का पैसा देगा तो और भी चार्ज करेगा, तो आगे जाके एनबीएफसी का कॉस्ट ऑफ और बढ़ने वाला है ना? तो वो भी एनबीएफसी को टैकल करना पड़ेगा। फिर अब देख रहे हो माइक्रो फाइनेंस में इशू है, तो सोचो एक तरफ से अगर आप एक एनबीएफसी हो जिसमें एक बड़ा आपका माइक्रो फाइनेंस डिवीजन है, एक तरफ से आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेगा बिकॉज रिस्क वेट्स बढ़ा
बढ़ा दिया है, राइट। और दूसरे साइड में क्या हुआ, दूसरे साइड में लेट से आपका माइक्रो फाइनेंस बुक पे कलेक्शन एफिशिएंसी घट गया है ना। तो क्या हो रहा है ना, एनबीएफसी स्पेस में प्रेशर तो है, लेकिन यहां पे भी बार बार मैं बोलता हूं कि जनरलाइज मत करो, हर एनबीएफसी और बैंक को अलग से ट्रैक करो, बिकॉज देखो जहां पे मौका है ना वहां पैसा बनेगा, ठीक है। अगर आप जनरलाइज करके बैठ गया तो वैसे भी आप कुछ सीखोगे तो है नहीं, दो चार आर्टिकल पढ़ोगे और बोलोगे भाई सब बंद हो जाएगा एंड ऑल दैट, और फिर क्या है अनशन चीजें सोचते रहोगे दिमाग में। सो एनी विच वे, आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा। आपका जो भी क्वेश्चंस डाउट्स जो भी होता है डालते रहो, बिकॉज आज मैं अगेन वापस बैक टू बैक वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो चलो, ये तो पहला वीडियो था, अब अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए।